जिंदगी में सच्चा आनंद यही है कि मनुष्य अपने आप को ऐसे मकसद पर लगा दे जिसे वो बहुत बड़ा मानता हो। भूरे पर फेंक दिए जाने से पहले अपने को खपा दे, अपने को प्रकृति की शक्ति बना दे और वो हर एक मनुष्य बन सकता है। सिर्फ एक मनुष्य भी वह प्रकृति की वह शक्ति बन सकता है कि जो चीजों को बदल सकता है। तो हम वह फ्रीडम हम अपने लिए पहले इकट्ठा करें और जिससे कि हम जो परिणाम चाहते हैं उन परिणामों को पाने के लिए हम प्रयास कर सकें। तो हम कहते हुए और मुक्तिबोध की जब बात आई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे देश के, मैं मुक्तिबोध को आप लोग थोड़ा पढ़िए, मैं आपसे बड़ी गुजारिश है कि मुक्तिबोध को पढ़ना चाहिए। मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतक है, विचारक है, लेखक है, आलोचक है और मेरे मामले में मानना है कि मुक्तिबोध जैसा धरती पर कोई दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, जरूर होगा। तो मुक्तिबोध एक बड़े कवि थे और स्वतंत्र भारत का दहकता इस्पाती दस्तावेज उनकी अंधेरे में कविता को शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। एक देखिए, एक थोड़ी सी कविता का अंश अंधेरे में का मैं पढ़ा हूं जिसमें गांधी का जिक्र है। बहुत से मार्क्सवादियों को लगा कि मुक्तिबोध ने गांधी को इतनी गणना से कैसे याद किया, बाकी लोग तो थे और गांधी के माध्यम से क्या कहा बातें। देखिए, इतने में आसमान कांपा, धाए धाए बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठा सोचने विचारने, अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छपरों पार से रोने की पतली सी आवाज। हम लोग जहां बैठे हैं बहुत निर्धन जनता बहुत पीड़ा में रह रही है इस समय और हम सबको अपने ही ज्ञान और अपनी संपदा में डूब कर मर जाना चाहिए। अब मैं तो इसलिए कह रहा हूं मनुष्य को भी मर जाना चाहिए। कि अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छपरों पार से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही दूर, कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही। मैं उसे सुनने का करता हूं यत्न कि देखता हूं मेरे सामने मेरे सर्दी में बोरे ओढ़े, बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा हिल रहा वह मर जाएगा। वह हमारी निर्धनतम जनता का चित्र है, लेकिन यह है कौन, देखिए वह कांप रहा मर जाएगा। इतने में वह सिर्फ खोलता है सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान कि फिर मुंह खोलता है वह कुछ गुदगुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूं, ध्यान से देखता हूं वह कोई चिर परिचित जिसे खूब देखा था निरखा था कई बार पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया, वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। मुक्तिबोध को याद आ गांधी जी, इस तरह पंगु आश्चर्य नहीं नहीं वे जांच पड़ताल सुराग रसी सी कुछ करते हैं चुपचाप रूप बदलकर, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सन्मुख पाकर मैं अतिदीन हो जाता हूं। पास बिजली का झटका कहता है भाग जा हट जा, हम हैं गुजरे हुए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों में गुरुता, वे कह रहे हैं दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दाने को चुगने चाहा हुआ कोई भी कुक्कुट कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं मिट्टी के लोदे में किरणीले कण कण गुण है, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए मैं। अब अंतिम वक्त अंतिम वाक्य ही मैं बोल के चला जाऊंगा कि जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। प्रोफेसरों और विद्वानों के विचारों से भावी का उद्भव नहीं होगा, जनता के गुणों से ही, और जनता के गुणों को अपने गुणों को प्रकट करने अपनी दुनिया को निर्मित करने की आजादी हमारी जनता को दी जाए, यही काफी है। धन्यवाद।